भाई फाइनली भीड़ फिल्म देख ली है, कैसी लगी फिल्म और क्या कहना है फिल्म के बारे में? मतलब मुझे फिल्म इतनी पसंद नहीं आई। जैसे कि हमको पता है COVID-19 का जो सब्जेक्ट था वो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट था। मतलब काफ़ी लोगों ने मतलब अपने नियर एंड डियर को खोया है या काफ़ी लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने घर पहुंचने के लिए। तो भीड़ मतलब पूरी तरह कोविड लॉकडाउन पे बेस्ड है और जिस तरह से मतलब वो इफ़ेक्टिवनेस आनी चाहिए, वो कैरेक्टर के लिए जो फीलिंग आनी चाहिए वो इस फिल्म में मतलब मिसिंग थी। अनुभव सिन्हा काफ़ी कुछ दिखा सकते थे लेकिन मतलब इतने अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया ऐसा मुझे लगा। चलो ठीक है, कहानी तो हम सबको पता है कि COVID-19 के ऊपर बेस है, इसका जो पहलू दिखाया पहलू आपको कैसे लगे और सब लोगों का काम वगैरह कैसे लगा? मतलब पहलू मुझे पसंद आया, काम वगैरह भी मतलब ठीक, मतलब काफ़ी अच्छे एक्टर्स को लिया है। राजकुमार राव है, भूमि पेडनेकर है, कृतिका कामरा है, दिया मिर्जा, आशुतोष राणा और आदित्य श्रीवास्तव। तो एक्टिंग वाइज मतलब सब डिसेंट थे। पंकज कपूर ऑब्वियसली इज अ एक्टिंग लेजेंड, तो एक्टिंग वाइज मतलब सबका काम डिसेंट है। और एक चीज़ जो भीड़ के बारे में मुझे पसंद आई मतलब वो है कि जो ब्लैक एंड वाइट जो थीम है इस फिल्म का, मतलब जैसे लोगों की लाइफ भी कलरलेस हो गई थी वैसा, उस हिसाब से अनुभव सिन्हा ये चाहते हैं कि हम भी इस फिल्म को ऐसे ही देखें कि भाई ये पूरी कलरलेस फिल्म है और हमको ऐसे लगे कि लोगों की लाइफ्स भी कलरलेस मतलब महसूस हुई। लेकिन प्रेजेंटेशन में मतलब काफ़ी खामियां थी, जैसे कि अनुभव सिन्हा ने एक दो सेकंड के थप्पड़ के लिए उन्होंने पूरी 2 घंटे की फिल्म बना दी थप्पड़। और अनेक भी मतलब काफ़ी स्लो थी, मतलब जो पॉइंट दिखाना चाहती थी वहाँ तक पहुँचने के लिए फिल्म काफ़ी लेट हो जाती है। सो भीड़ का भी कुछ ऐसा ही है, मतलब काफ़ी स्लो है, कुछ कुछ जगह पे ड्रैग करती है, काफ़ी अननेसेसरी सीन्स भी है। जैसे राजकुमार राव की लव स्टोरी जो बहुत ही मतलब अननेसेसरी लगी, एक इंसान को मतलब आप जो डेस्परेट है मतलब अपने बच्चों के खाने पीने के लिए उसको आप टेररिस्ट बता रहे हो, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मतलब आप क्वेश्चन आउट करोगे और कुछ कुछ चीज़ों को मतलब अनआंसर्ड ही छोड़ दिया है। पता नहीं क्यों, मतलब एग्जैक्टली आपको कुछ एक एंड दिखाना चाहिए था, कुछ दिखाना चाहिए था। सो फिल्म कभी शुरू होती है कब ख़त्म होती है आपको पता भी नहीं चलता है। ओके चलो ठीक है, ज़्यादा तो 5 में से कितने स्टार? मैं इस फिल्म को 2 स्टार दूंगा। यार भीड़ को देखो, सबसे पहले तो हमारे देश में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी 2020 और 21 में, उसी को ही दिखाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं। प्लस यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब जो अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं या न्यूज़ में आए थे, उन सभी का समावेश करके प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, ये फिल्म और बेहतर हो सकती थी, गूज़बम्स पैदा कर सकती थी अगर ये मोर इमोशंस को दिखाती। जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं अंदर जो चल रही हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक बाप है जो कि अपनी बच्चों को खाने के लिए डकैत बन जाता है, या फिर एक लड़का है जो जातिवाद के इस दौर से गुजर रहा है। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म और बेहतर हो सकती थी। फिल्म में ये बताया जा सकता था कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, या फिर फिल्म में ये भी बताया जा सकता था कि पर्सनल लेवल पे लोग कैसे मदद कर रहे हैं। सोनू सूद सबसे बड़ा एग्जांपल है मैन। सो मतलब अपन ऐसा दिखा सकते थे, ये मुझे ऐसा लगता है। और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, एज़ यूजुअल यहाँ पे सब मंझे हुए कलाकार थे यार, सब मंझे हुए कलाकार थे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं, इनफैक्ट वो छोटी बच्ची जो है इसमें जो साइकिल चला रही है उसको देखकर मैं मेस्मराइज हो गया कि वाओ यार कितनी नेचुरल है। यू गेटिंग इट? सो मुझे ऐसा लगता है, बट पार्ट 2 बनेगा अगर तो उसमें शायद हो सकता है कि ये उस ट्रेजेडी में, हाँ, जो छूटे हुए पहलू हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगा कि इसका नाम भीड़ की जगह कुछ ऐसा रिलेटेबल और होता जो कि उस दौरान हुआ था ना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती लोगों को। अभी भीड़ का ना मुझे नहीं लगता कि लोगों ने इस चीज़ को, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कश्मीर फाइल्स मैं कहता हूँ, अब कश्मीर फाइल्स हम सबको पता है कश्मीर में कुछ ना कुछ तो हुआ था, तो कश्मीर फाइल्स का यहाँ पर जो है वो चीज़ नाम से ही रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ देर इज़ समथिंग। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखो परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है, बहुत वंडरफुल है, मतलब राजकुमार के एक एक सीन इतने खूबसूरत है ना यार, लिटरली यार बहुत बढ़िया। भूमि बहुत अच्छी लगी है, उन दोनों की केमिस्ट्री तो गज़ब दिखती है। आशुतोष राणा जी है, पंकज कपूर जी हैं, सब बहुत बेहतर है। क्या लगता है फिल्म चलेगी सर? जिस तरीके से इसके पहले भी एक सीरीज आ चुकी थी एक से लॉकडाउन करके, जी हाँ वो आई है, जी में आई है, राइट। कश्मीर फाइल के डायरेक्टर एक्शन गौर बना रहे हैं, वो भी लॉकडाउन बेस्ड है, राइट। सी देखो मैंने इसमें एक जो मुझे ऐसा लगा, जो ये ना कंटेंट तो अच्छा है अंदर, वो लेकर आए हैं अच्छा कॉन्टेंट,
बट नाम की वजह से जो है वो थोड़ा शायद पीछे रह सकती, तो लोगों को उतना अपील ना करे, राइट? तो ये थोड़ा और इमोशनल एस्पेक्ट पे होती तो शायद मे बी और मतलब मुझे लगता है कि चल सकती है, बट लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। चलो ठीक है राहुल भाई, जाते थे ये बताइएगा कि आपकी तरफ से कितने स्टार। मैं 2 स्टार देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।